अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जी मेरे किचन में बनने लगी है भिंडी मसाला, तो मैंने कहा चलो मैं आपका रेसिपी शेयर करती हूँ उसकी। तो ये सबसे पहले लहसुन, प्याज और टमाटर, यहाँ मैंने दो प्याज ले लिए थे और तीन टमाटर, और दो मैंने गड्डियाँ ले ली थी लहसुन की, उनको छील के ये मैंने ना गन्ने के लिए रख दी है। थोड़ा सा पानी डाला, ज़्यादा पानी भी नहीं मैंने डाला, तो वो मैंने छीलने गलने के लिए रख दिया। जब तक ये गल जाएगा, और मैंने कुकर लगा दिया था कि ज़रा जल्दी गल जाएगा, पर ना वैसे भी उबलने के लिए रख देंगे तो ना गल जाएगा लहसुन प्याज। और यहाँ पे फिर मैं साथ भिंडियाँ काटने लगी थी। ये सब कितनी भी मर्ज़ी होती है, कोई भिंडियाँ ना थोड़ा साइज में बड़ी काटता है, कुछ छोटी छोटी काटता है। आज मैंने मसाला भिंडी बनानी थी तो फिर मैंने ना ये छोटी छोटी काटी हैं, वरना अगर आप खड़े मसाले वाले बनाए ना तो उसमें ना साइज़ एक इतना नहीं होता है, साइज से बड़ा होता है भिंडी का। ये मैंने सारी भिंडियाँ जो है ना वो मैंने इसी तरह काट ली थी। ये तकरीबन 1 kg भिंडियाँ थी, वो मैंने काट ली काट के। तो उसके बाद ये मैंने मसाला बनाया भिंडी का, एक सूखा धनिया, जीरा और अनारदाना, ये एक एक टेबल स्पून ली थी। तीनों चीज़ें इनको ना अच्छे से पहले साफ़ कर लेना, साफ़ करके तो फिर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके इनको पाउडर बना लेना, इससे ना ज़रा है ना भिंडियों में थोड़ा टेस्ट खट्टा खट्टा आ जाता, वो बहुत मज़े का लगता है। ये मैंने कुकर लगाया था, उतनी देर में ये भी गल गया, लहसुन प्याज भी। बस इसी तरह ना आपने इसको ना चम्मच से इस तरह ना पीस के ना बिल्कुल एक जैसा कर लेना, और ना उसके बाद दूसरी तरफ ये था कि मैं ना साग को फ्राई करनी शुरू कर दी थी। भिंडियाँ भिंडियों को मैंने फ्राई किया था ना डीप फ्राई, मैंने उनको शैलो फ्राई नहीं किया। आप उनको डीप फ्राई करेंगे ना, जब उनका कलर गोल्डन हो जाएगा ना, तब आपने ना भिंडियों को निकाल लेना। ये देखिए इस तरह फ्राई हो रही है भिंडियाँ, जब इनका कलर गोल्डन हो जाएगा ना तो आपने निकाल लेनी है। ये अभी ना सही से फ्राई नहीं है, ये देखिए इतनी हो जाएंगी तो आपने निकाल लेनी है। फिर वो घी मैंने निकाल लिया था, तो ना ये उसी में मैंने ना ये जो लहसुन प्याज और टमाटर का जो पेस्ट मैंने बनाया है ना गला, वो मैंने ऐसे गर्म घी में ना डाल के फ्राई किया। फ्राई करेंगे इसके साथ ही ना ये भुन जाएगा। बस ये देखिए अब इसमें ना 2 teaspoon नमक के डालने हैं, 2 teaspoon सिर्फ मिर्च के डालने हैं आपको। ये ना टीस्पून मैंने डाले हैं, मैंने टेबलस्पून नहीं डाले, और ये मैंने हल्दी भी डाल दी है, और ये काली मिर्च, ये 1 teaspoon। ये रंगी है, ये आपकी ना अपनी च्वाइस है, हम डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, हम नहीं डालना चाहते तो आप ना डालेंगे। हमने साथ मैंने डाल लिया है। दही का ये फ़ायदा होता है कि इससे ना भिंडी का ना जो फ्लेवर होता है ना वो हल्का हल्का ना, वो करारी भिंडी जिस तरह होती है ना थोड़ी खट्टी खट्टी टेस्ट आता है, वो बहुत मज़ेदार लगता है। तो आप दही डालो, अनारदाना डालो, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये बस मैंने कुछ मसाले डाले हैं, दही डाल के ना जिसको मैंने भून लिया है। जब ये भून गया ना तो उसके बाद ये घी निकल आया, देखिए सारा घी निकल आया, मसाला अच्छे से भून गया। तो ये मैंने ना जो हमने ये पाउडर पीसा था ना सूखा धनिया, ज़ीरा और अनारदाना, वो मैंने 2 चम्मच भर के वो डाले हैं, 1 चम्मच साबुत जीरा डाला है, और ये मैंने ना 3 से 4 ना हरी मिर्च काट के ये डाल दी है। देखिए मसाला आपका कितने अच्छे से तैयार हो गया। अब ये देखिए घी अलग हो गया है, ये मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है, ये भी ना 1 चम्मच डाल लिया, और ये अब ये ना फ्राई की हुई भिंडियाँ भी इसमें ऐड करूँगी। इसको ना बस आपने ना हल्के हाथ से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल ना टूट ही ना जाए, अच्छे से मिक्स करके तो ना आपने बिल्कुल ये देखिए ना इस तरह मिक्स हो गई है ना। आपने इसके ऊपर ना थोड़ा सा ना डालना, ये जो मसाला बच गया था वो मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा ऊपर एंड गरम मसाला डालना है, वो डाल के आपने ना इसको ना
5 से 7 मिनट के लिए ना ढक के ना रख देना, बिल्कुल दम जितनी आँच करके। ये देखिए हमारी मसाला भिंडी रेडी हो गया। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अभी मेरे सब्सक्राइबर भी इतने नहीं हैं और मेरा टिकटॉक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप उसको भी लाइक और फॉलो कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।